नहीं नहीं है ना, शर्मा रही है। आओ अविनाश आओ। आपने मुझे याद किया। ए, बैठो दो, बैठो। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारी मंगनी टूट गई। बहुत दुख हुआ। तुम्हारी मोहब्बत की दुश्मन इंदिरा सिन्हा, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसको। वो इस जन्म में तो तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। बेनाम इस दुनिया में आए हो और बेनाम ही चले जाओगे। मगर चाहो तो इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं सुनीता से बहुत प्यार करता हूं, बताइए मुझे उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुड, वेरी गुड। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सिर्फ मैं जानता हूं कि कल 10 बजे तुम्हारी दुश्मन कहां हो। ये लो, सिर्फ एक गोली, एक ही गोली है, चला दो, किस्सा खत्म। लो। क्या कह रहे हैं आप? देखो, तुम समझदार और पढ़े लिखे, तुम्हारा दोस्त कृष्णा अनपढ़, जाहिल और जानवर आदमी है। ये इल्जाम उस पर लगवा देंगे, तुम्हारा घर बस जाएगा। और याद रखो, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई गुनाह तो होता ही है, लेकिन इसके तुम्हें भी एक छोटी सी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये बगट, ये देखो, ये हीरे तुम्हारे दोस्त कृष्णा ने हमारे लिए चुराए थे। कृष्णा चोर? अरे बरखुरदार। हर काम की कीमत देनी पड़ती है, और कृष्णा हमारे लिए काम करता रहा है। हमने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया है। ये हीरे लेकर तुम बैंकॉक जाओगे, और कस्टम में किसी को कोई शक कोई शुबा नहीं होगा। इन हीरों की चोरी का इल्जाम भी हम कृष्णा पर डाल देंगे। अरे भाई घबराओ नहीं, उसे कोई फांसी वांसी नहीं होगी। कानून हमारी जेब में रहता है, बस यही 3-4 साल की सजा हो जाएगी, और वैसे भी तो उसको जेल में रहने की आदत है ही। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अब ये कीमत चुकानी पड़ेगी मुझको। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती। कौन सी माँ, क्या होती है माँ? बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो है कृष्णा। अगर यही कीमत है मोहब्बत की तुम लोगों के समाज में रहने की, तो थूकता हूं मैं तुम पर और तुम्हारे समाज पर। तोता मिर्ची नहीं खाता, बंदर है बंदर। मैं तेरे प्यार के सहारे जी लूंगा कृष्णा, पर इस बोझ के नीचे दबकर नहीं जी सकता जिसमें गुनाह का जहर भरा हो। हमारा पत्ता साफ करने चले थे, हमारा जिंदगी जीता। अरे जाओ जाओ, आवारगी के लिए 100 दरवाजे खुले मिल जाएंगे। भागो भागो, अरे भागो। तुम्हें साहब, ना मैं भाग रहा हूँ और ना ही आवारों की जिंदगी जीने का कोई शौक है मुझे। मैं एक दिन सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि ईमानदारी और सिद्धांत पर चलने वाले अपना इतिहास खुद लिखते हैं, और वो इतिहास मैं लिखूंगा। सोचता हूं पहले मैं तुम्हें अपना इतिहास बता दूं। 9 साल की उम्र में पहला खून किया था मैंने, और अब तुमने अपनी जबान बंद नहीं की तो वही इतिहास अभी दोहरा दूंगा। नहीं कृष्णा, नहीं, प्लीज नहीं कृष्णा। तुम्हारा समाज गुनाह की बुनियाद पर खड़ा है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा गुनेगार। कान उल्टा पकड़कर मेरे दोस्त को समाज में जगह दिलवाने थे चले थे तुम लोग। अरे तुमने तो उसे दुनिया के दिल से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं कृष्णा, गुस्सा आदमी को शैतान बना देता है। शांति शांति, ये क्रांति का वक्त नहीं है कृष्णा। ये रुपया तुम्हारा है, तुम ले जाओ। घर आई हुई लक्ष्मी को बेवकूफ लोग नकारते हैं। ये लक्ष्मी नहीं, धर्म का खोटा रुपया है। एक बात याद रखना,
कृष्णा तीन चीजें कभी नहीं भूलता, दोस्ती, दुश्मनी और कर्जा। दोस्ती के तुम काबिल नहीं हो, घटिया और कमजोर इंसान से दुश्मनी करना मेरी शान के खिलाफ है। हाँ, एक कर्जा लौटाना है तुम लोगों का। कैसा कर्जा? उल्टा कान पकड़कर जो गुनाह तुम लोगों ने हमसे करवाया था, उसे ब्याज के साथ लौटाऊंगा। हम उस व्यापारी को जिंदा नहीं छोड़ते जो दुश्मनी में ब्याज देता है। इस बर्तन को अंदर करो। जब तुम थूक लगाकर नोट गिना करते थे ना, उस वक्त हमने तुम्हारे जैसे किसी को सल्टा दिया था। डार्लिंग, पत्ता फेंको ना। यस डार्लिंग। ये पंखा किसने बंद किया है? इसे मैंने बंद किया है। तुम अंदर कैसे आए? इस तरह किसी के घर में घुस के ये कानूनी जुर्म है। तूने मेरे दोस्त की खुशियां छीन ली, बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। एक हरामी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है वो तो मैंने देख लिया। आज तुम तीनों में से एक को फांसी के फंदे पर लटकना होगा, बाकी दो को मैं छोड़ दूंगा। अगर मेरे नाम और काम से वाकिफ हो तो फैसला जल्दी करना। मैं नहीं, मुझे तो मौत से बहुत डर लगता है, मुझे मत मारो। डार्लिंग, सुहागिन मरने से स्वर्ग नसीब होता है। पापा ठीक कहते हैं मम्मी। हटो जी, मैं विधवा ही जी लूंगी। हाँ, अगर मैं मर गया तो तुमको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं आपका श्राद्ध भी करूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। आप लटक जाइए ना प्लीज। मैं क्यों लटकूं? अगर मैं लटक गया तो मेरी टाइपिस्ट जूली को कौन देखेगा? जूली? जूली कौन? जूली, जूली, जूली कौन? घोड़ी, घोड़ी, मेरी रेस की घोड़ी। मेरी रेस का क्या होगा? मेरी गिरी पाली का क्या होगा? अरे चुप, मेरा क्या होगा? चलो। ए मम्मी, ए पापा। बस क्या यही है तेरा समाज, तेरा खानदान, तेरे माँ बाप? माँ बाप हमारे समाज की बुनियाद है। मैं मानती हूँ कि हमारे देश की समस्या गरीबी है, लेकिन ना जाने कितने ही गरीब बच्चे अपने माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर चलकर इसी समाज में मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य और उनके जीवन की बागडोर माँ बाप के ही हाथों में होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अरे झूठ बोलती है इंदिरा सिन्हा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मिसेज इंदिरा सिन्हा से कि ये अपनी बेटी की शादी एक अनाथ होनहार गोल्ड मेडलिस्ट अविनाश के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पे जान देते हैं। अरे ये प्यार की दुश्मनी है इंदिरा सिन्हा।